तो जेम्स गन हर वीक की तरह ये वीक भी खाली कहाँ जाने दे सकते थे। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आते हैं और मैट रीव्स की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि मैट रीव्स की मूवीज़ की डायरेक्शन और प्रोडक्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मेरे कहने पे मैट रीव्स DCU के लिए एक आर्कम के नाम से एक वेब सीरीज़ प्रोडक्शन करने में इंटरेस्टेड हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बयान किया कि उनकी ये भी बात हुई थी कि द बैटमैन यूनिवर्स को DC का पार्ट बनाने के लिए, लेकिन मैट ने ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि वो बैटमैन सीरीज़ को एक स्ट्रेट ट्रॉलॉजी रखेंगे, उनके साथ किसी भी दूसरे सुपर हीरो का कोई अमल दखल नहीं होगा। नोलन की ट्रॉलॉजी की तरह वो स्टैंड अलोन रखना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेम्स गन को अब अपने यूनिवर्स के लिए न्यू बैटमैन कास्ट करना पड़ेगा। तो रूमर्स के तौर पर द बॉयज़ सीरीज़ में सोल्जर बॉय का रोल प्ले करने वाले जैसन एकल्स बैटमैन का रोल प्ले कर सकते हैं। ये रूमर्स हैं, मैं फिर से कह दूं, ये सिर्फ रूमर्स हैं, कोई कॉन्क्रीट न्यूज़ नहीं आई, कोई DC में ने ऑफिशियल नहीं बयान किया और ना ही जेम्स गन ने इसे ऑफिशियल किया है। तो दो दिन पहले अमेज़न प्राइम पर रीचर सीरीज़ रिलीज होने हो गई है और उसी के एक इंटरव्यू में इनके मेन लीड एलन रिचर्डसन ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि वो भी DC में बैटमैन का रोल प्ले करना चाहते हैं। बाकी देखते हैं कि अगर कोई ऑफिशियल न्यूज़ आती है तो फिर इस पर प्रॉपर बात हो पाएगी। एक या दो हफ्ते में एक तो कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है बैटमैन की, सुपरमैन लेगेसी की। तो अगर कोई न्यूज़ आएगी तो इस पर दोबारा वीडियो बना के हम दोबारा से बात करेंगे। तब तक के लिए हम वेट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।